रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट अब हमें इसको फर्दर करने की जरूरत नहीं है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर बिकॉज रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट ना सेकेंड पार्ट इन सेकेंड पार्ट इट इज थ्री एक्स केयर Minus 4 root 3x plus 4 equals 0. Hua hai. Again we will find out d value. D is b square minus 4 ac. So it is coming as b square. B square is minus 4 root 3 square minus 4 into a into c 1648 minus. 48. So, it is coming as 0. D equals to 0. So, what type of nature it has? But again d equals to 0. Hai, so, the nature will be, you will get, this implies two equal roots. Nature is two equal roots, you will get it. Now, question me saying if it exists to find them. Now, we will use the discriminant formula, this one okay so minus b minus b plus minus root d upon 2a either you can use this or the upper one both of them are same thing so minus b minus minus 4 root 3 plus minus root of d upon 2 into a okay so 4 root 3 upon 6 cancel key j

you will not write it once aap do bar likhenge ise is it clear since both of them are the repeated one same way you can do the third part also now come to question number 2 now question number 2 in question number 2 it is asked find the value of k for which it has two equal roots so, for 2 equal roots D should be equals to 0. So, for 2 equal root D should be equals to 0 or we can say B square minus 4 AC equals to 0. Now, what we will do since you have to find out the value of K here. So, we will substitute all the value in the given condition. So, it will come as K square minus 4 into 2 into 3 equals to 0. So, solve it for the. ट्वेंटी फोर इक्वस टू जीरो के स्केयर माइनस ट्वेंटी फोर इक्वस टू जीरो नाउ फॉर दर इफ यू विल टेक के स्केयर इक्वल ट्वेंटी फोर सो वट इट शुड बी फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दिस थिंग इज गिवन नाउ

write this also we can write it now you can use a plus b and a minus b concept so it will be a plus 2 root 3 and a minus 2 root 3 equals to 0 and then you can find out the value of k either this equals to 0 or this equals to 0 so you will be getting a discriminant but है अगर हम ऐसे करेंगे देन वी विल गेट के वैल्यू एज माइनस टू रूट थ्री और के वैल्यू एज टू रूट थ्री इज इट क्लियर लाइक दिस यू कैन डू इट सो दीज आर द वैल्यू ना सेकेंड पार्ट अगर आप सेकेंड पार्ट को देखते हैं इन द सेकेंड पार्ट इट इज नॉट इन द प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है सो वट वी विल डू वी विल ओपन द ब्रैकेट टू चेंज इट इन द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्लियर दिस इज द्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ सेम प्रोसीजर यू हैव टू अप्लाई बीस के माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट दैल्यू इट मीन्स माइनस टू के होल्स के माइनस फोर इंटू ए इंटू सिक्स इक्व टू जीरो फोर के स्कीय माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के इक्वस टू जीरो ओके सो हाउ विल यू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ के ना के वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पे टेक फोर के कॉमन फोर के यू कैन टेक इट कॉमन के माइनस सिक्स इक्व टू ज़ीरो फ्रॉम हेयर इधर फोर के इक्वल टू जीरो और के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा ईधर ईदर फोर के इक्वल टू जीरो और के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो यहां से आपकी के की वैल्यू जीरो अपॉन फोर जीरो अपॉन फोर इज जीरो जीरो और के इक्वल सिक्स इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब क्वेश्चन थर्ड ऑन वर्ड इट इज गिवन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रूव लेंथ ऑफ एंड द एरिया इज गिवन 800 मीटर क्या पॉसिबल है इस डायमेंशन से रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाने का सो लेट द ब्रेथ ऑफ अ ग्रूव इज एक्स विल बी ट्वाइस टू एक्स इट इज गिवन एरिया इज गिवन 800 इन द क्वेश्चन एरिया की बात हो रही है तो रेक्टेंगल इज एल इन टू बी इक्वल एरिया दी वैल्यू सो इट विज टू एक्सर इक्वल एट हंड्रेड एट हंड्रेड यू विल गेट इट सो एक्सर इक्वल शिफ्टोर हंड्रेड फ्रॉम हेयर एक्स विल बी वट इट विल बी स्केयर रूट ऑफ फोर हंड्रेड तो आपके पास एक्स की वैल्यू ट्वेंटी आ गई Since it will come as plus minus, the minus value we will not take it. So, is it possible? Now, you have to find out the length and breadth. Therefore, breadth. We pass positive value, we are getting it. Breadth equal 20 meter and length equal 2 into x, that is 2 into 20, 40 meter. Clear? अभी इनका देखिए आप एरिया भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं यू आर गेटिंग इट एज 800। हंड्रेड नाउ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ इज सम ऑफ़ ऑफ़ द टू फ्रेंड्स इज 20। तो हम एक ही एज एक्स मान लेते हैं द एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड विल बी 20 माइनस एक्स फोर ईयर गो फोर ईयर गो विल बी x माइनस फोर एंड इसमें से भी माइनस फोर कर देंगे इट विल कम एज सिक्सटीन माइनस एक्स एंड एक्स माइनस फोर इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है फोर्टी एट फोर ईयर है गो उनकी एज का प्रोडक्ट इज गिवन एज फोर्टी सो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फोर्टी एट सॉल्व एट आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अब आफ्टर गेटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ क्वेश्चन में बताना है इन क्वेश्चन फोर इज इट पॉसिबल कि ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या नहीं अब आप यू विल फाइंड आउट दैल्यू ऑफ डी है डिस्क्रिमिनेंट बीस क्या माइनस फोर ए सी आफ्टर फाइंडिंग आउट द वैल्यू आपको क्या दिख रहा है यहां पे वैल्यू में यू आर गेटिंग द डी वैल्यू एज नेगेटिव सिंस डी एज लेस देन जीरो देर फोर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल नहीं निकाल पाएंगे सेम वे आई थिंक यू कैन ट्राई क्वेश्चन फिफ्थ यूर सेल्फ क्वेश्चन फिफ्थ इज ऑल्सो सेम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में If it is greater than 0 or equals to 0, then the situation is possible. Otherwise, it is not. So, try question number 5 yourself. Thank you and have a nice day.